नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट प्राथमिक स्तर के लिए पर्यावरण अध्ययन की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो 30 में से 30 सही प्रश्न करके आएंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो क्षेत्रीय नाम, विभिन्न देशों में चक्रवातों को किन नामों से जाना जाता है? तो पहला है बिली बिली, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, बागियो या फिलीपींस में बोला जाता है, चक्रवात भारत में, और टाइफून या चीन एवं जापान में बोला जाता है। अगला है हरिकेन या संयुक्त राज्य अमेरिका में बोला जाता है, टार्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागर में। आगे देखते हैं, बुलर झील, सुरिनसर, मंदसौर झील, होकेरा आर्द्रभूमि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है सोमोरीरी यह लद्दाख में स्थित है। अगला है चंद्रताल, पोंग बांध झील, रेणुका आर्द्रभूमि यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है हरिके झील, कंजली झील, रोपड़ झील यह पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है केवला देवघाना राष्ट्रीय पार्क एवं सांभर झील यह राजस्थान में स्थित है। अगला है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य यह गुजरात में स्थित है। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है। ऊपरी गंगा नदी ब्रिजघाट सिन्नरौरा यह उत्तर प्रदेश में है। भीतरकनिका मैंग्रोव एवं चिल्का झील यह उड़ीसा में स्थित है। पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि सुंदरबन आर्द्रभूमि यह पश्चिम बंगाल में है। दीपोर बिल यह असम में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में है। रुद्रसागर झील यह त्रिपुरा में। कोलेरू झील यह आंध्र प्रदेश में है। पॉइंट कैलिमर यह तमिलनाडु में स्थित है। अष्टमुडी आर्द्रभूमि, सस्थम कोट्टा झील, वेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि यह केरल में स्थित है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, तो यह की थी जोसेफ फोरियन ने। आगे पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण हैं, तो यह जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह सभी पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण हैं। अगला है वह गैस जो धरती पर हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है, तो यह 0.03% पाई जाती है। आगे है जिन ग्रहों की कोई उपग्रह नहीं है, तो वह है बुध एवं शुक्र, मरकरी एवं वीनस। आगे है दैनिक तापांतर सबसे अधिक लगभग 610 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो यह बुध ग्रह पर। आगे है पृथ्वी की जुड़वा बहन सिसेफ प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, तो शुक्र ग्रह को। आगे सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह, तो यह है शुक्र ग्रह। आगे देखते हैं भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार एवं साय का तारा इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है, तो यह शुक्र ग्रह को बोला जाता है। आगे वर्तमान समय में सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो यह है शुक्र। आगे है ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य का पूर्व से पश्चिम यानी कि विपरीत दिशा परिक्रमण करता है, तो यह शुक्र ग्रह। आगे छठी शताब्दी ईस्वी के जिस प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद ने यह बताया दिया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो यह बताया था ब्राह्मीर ने। ग्रहों की गति से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया, तो यह जोहान्स केपलर ने। गुरुत्वाकर्षण तथा गति के तीन नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो यह आइजक न्यूटन ने। आगे जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तो कहा जाता है यह सूर्य ग्रहण। सूर्य का वह बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, उसे कहते हैं तो कोरोना। आगे पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है कि कुछ सेकेंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है, तो यह हीरक बल डायमंड रिंग। आगे है विश्व की झीलें एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। वान झील तुर्की में स्थित है, यह है सर्वाधिक खारी झील। टांगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। सुपीरियर झील अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार। विक्टोरिया झील यह अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। केन्या, युगांडा एवं तंजानिया तीनों देशों में स्थित है। लेक मिशिगन यूएसए के शिकागो में स्थित। लेक मिशिगन जनवरी 2016 में आए ब्लिजार्ड के कारण पूर्णतः बर्फ में तब्दील हो गई थी। मृत सागर इजराइल, वेस्ट बैंक, जॉर्डन में स्थित। लौड़ी झील विश्व की सबसे नीची झील।
बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम यानी कि 25 मिलियन वर्ष पुरानी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील लगभग 1642 मीटर रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित, इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया के उपनाम से भी जाना जाता है। आगे है घास के मैदान एवं विभिन्न देशों में उनकी स्थिति। तो यह पहला है लानोज, यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपीज यह यूरोप में पाए जाते हैं और प्रेरीज यह उत्तरी अमेरिका में। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कैंपॉस यह दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। पम्पास यह अर्जेंटीना ब्राज़ील एवं उरुग्वे में पाए जाते हैं। सेल्वाज यह अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। आज बस यहीं तक, इसके अगले भाग को हम कल लेकर आएंगे।